आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव से पहले जहां राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक गुणा भाग करके जीतने के लिए सारी जोर आजमाइश कर रही हैं, इसी बीच पीएम मोदी ने लोगों को एक बड़ी सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी दे दी है। इसी साल 22 जनवरी को पीएम मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के बाद अब नाम बदलकर इसे पीएम सूर्य घर योजना कर दिया गया है। इस स्कीम से 1 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। तो वहीं इसके बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सुनिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें से पहला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र का, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। अब इसके थोड़ा सा मैं इसको विस्तार में आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार कुल 75,021 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा हर जिले में मॉडल सोलर विलेज भी डेवलप किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही खुद के आवास वाले गरीब और मध्यम आय वाले परिवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।